अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे मज़े में होंगे। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन स्टेक। तो चलें पहले हम लोग स्टेक के लिए जो है वो मीट जो है सबसे पहले उसको हैमर कर देंगे। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे विनीगर, लेमन जूस और सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर पाउडर, रोस्टेड जो ज़ीरा है वो ऐड कर लो। लेकिन मेरे पास ना, मैं ग्रोसरी के लिए जब गई तो मेरे ये पलक का ये स्टेक पाउडर नज़र आया था। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही लेकिन अच्छा है तो मैंने यही ऐड किया था। तो इसके अंदर सॉल्ट ऑलरेडी ऐड है तो मैंने फिर कुछ भी ऐड नहीं किया था। तो बस इसके बाद उसको मैंने 2 से 2.5 घंटे जो है वो मैरिनेट कर दिया था। और उसके बाद बस हम लोग जो उनके फिलेज हैं उनको मैं दोनों तरफ से अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे हम लोग। तो जब ये दोनों तरफ से अच्छे से टेंडर हो जाएंगे तो हम इसकी टेरागोन सॉस रेडी करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले क्या किया मैंने, बटर ऐड कर लिया पैन के अंदर। और उसके अंदर जो है हम लोग डाल देंगे चॉप्ड अनियन को। ठीक है, इसको अच्छे से हम लोग सोते होने देंगे। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया था, मैंने चिकन स्टॉक की क्यूब ऐड कर दी थी। और अगर आपके पास फ्रेश चिकन स्टॉक है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने क्यूब ऐड करके 1 कप जो है उसके अंदर वाटर ऐड कर दिया था। और जैसे ही उसको बॉयल आ गया, मतलब कि अच्छे से वो पक गया, फिर मैंने उसको फ्लेम से उतार के उसके अंदर मिल्क क्रीम ऐड कर दी थी। मिल्क क्रीम ऐड करने के बाद उसके अंदर स्पाइस सॉल्ट और ओरिगानो लीव्स जो है ना वो मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, और जो मेरी ये वेजिटेबल्स थी इसको भी मैंने जो है यही वाला स्पाइस जो था ना, जो स्टेक का था, ठीक है, मसाला, वो मैंने ऐड कर दिया था। अगर नहीं है तो आप इसके अंदर ब्लैक पेपर, ओरिगानो लीव्स, ठीक है, और सॉल्ट जो है वह थोड़ा सा ऐड कर दें। और ये सॉस रेडी हो गई थी। और बस जी हमारा ये स्टेक्स जो हैं वो अब वेजिटेबल्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स हैं उनके साथ और फ्राइज़ के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।